31st सी ऑप्शन. यस, किसको क्या क्या ऑप्शंस मिले हैं अभी? यस, सी के अलावा कोई और ऑप्शन है? सी ऑप्शन. फॉर थ्री मंथ सैलरी ऑफ ए पर्सन रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:4:5. डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सैलरीज ऑफ फर्स्ट टू मंथ्स एंड लास्ट टू मंथ्स. ओके, तो अगर हमने 2x, 4x और 5x ये सैलरीज लिए तो क्या हो रहा है? यस, फर्स्ट टू मंथ्स एंड लास्ट टू मंथ्स. फर्स्ट टू मंथ्स मतलब 8x है ना, एंड लास्ट टू मंथ्स मतलब 20x. इसका डिफरेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 4,80,000 है. हाँ, कुछ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है ना पक्का? मतलब कम ज्यादा नहीं होने चाहिए. बिल्कुल 4,80,000. तो कितना आ रहा है फिर एक्स? एक्स आया, एक्स स्क्वायर आना चाहिए. सॉरी, एक्स स्क्वायर आना चाहिए. यस, व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट ना. देखो क्या हुआ है, एक मिनट, जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन. हाँ, ये 2x है फर्स्ट मंथ का सैलरी, सेकेंड मंथ का 4x एंड थर्ड मंथ का 5x. ठीक है, तो पहले दो मंथ्स का जो सैलरी है 2x एंड 4x, उसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 8x स्क्वायर. एंड लास्ट टू मंथ्स की सैलरी का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 20x स्क्वायर. एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें लेना है, विच इज 4,80,000. ऑलराइट, तो ये कितना हो गया? 12x स्क्वायर ना, इग्नोर नेगेटिव साइन. 12x स्क्वायर 4,80,000. सो x स्क्वायर कितना आया फिर? x स्क्वायर कितना आया? 40,00,000. पक्का? एवरीवन गेटिंग द सेम? यस, 4,00,000 लिखा क्या मैंने? 40,00,000. तो x कितना आया फिर? जीरोस कितने अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 जीरोस है, है ना? आधे कर दो, 2000. x कितना आया? 2000. तो उन्होंने क्या पूछा है? सैलरी ऑफ ए पर्सन इन सेकेंड मंथ. सेकेंड मंथ में कितना सैलरी है? 4x. 4x मतलब यस, 4 × 2000 विच इज 8000 विच इज सी. ठीक है, 32nd क्वेश्चन. होमवर्क का नहीं आया? ओके, डीलर मिक्सेस राइस. ऑप्शन ए किसका है? कैसे किया? यहाँ पे भी ऑप्शन ए आया था वो किसी का जन्म? ऑप्शन ए किसी का भी नहीं आया आंसर. यस, कैसे किया? यस, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा. बोलो बोलो बोलो. यस, नहीं डरना क्या है इसमें. ओके, डीलर मिक्सेस राइस कॉस्टिंग 13.84 पर केजी विथ राइस कॉस्टिंग 15.54 पर केजी. एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है. सेल्स द मिक्सचर एट 17.60 पर केजी, सो ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 14.6% ऑन हिज सेल प्राइस. द प्रोपोर्शन इन विच ही मिक्सेस टू क्वालिटीज ऑफ राइस. कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. एनी डाउट इन दिस? मैं हिंट देने वाली हूँ. यू हैव वन मोर डे टू ट्राई ऑन दिस क्वेश्चन. ओके, हिंट दूंगी मैं, ट्राई करना है तुम्हें. चलो देखो, बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर, एवरेज प्राइस है ना. तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दो अलग अलग चीजें हमारे पास. कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें पता नहीं है. हमें सिर्फ इतना पता है दो तरीके के राइस है, एक 13.84 है और एक 15.54 है. दो तरीके के राइस है. कितना केजी हमें नहीं पता,
सो अगर हमें नहीं पता वो क्वांटिटी कितना है तो हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई लेते हैं ना उसको, वी टेक वन क्वांटिटी एज एक्स एंड अदर क्वांटिटी एज वाई. तो यस दिस इज एक्स के जी एंड दिस इज वाई के जी. तो एक्स के जी का कितना है, आई मीन 13.84 पर के जी हुआ. तो एक्स के जी का कितना हुआ, 13.84 इंटू एक्स. सही है, 13.84 इंटू एक्स. 15.54 पर के जी है तो वाई के जी का कितना हुआ, 15.54 इंटू वाई. ठीक है, वो पर के जी होना चाहिए था एक्चुअली, तो इंटू वाई होल डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, नहीं होल डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा. क्यों ऐसा, बिकॉज हमने कॉस्ट प्राइस एवरेज प्राइस निकाला है ना. तुम्हें याद है हमने ऐसे एक क्वेश्चन किया था जिसमें उन्होंने एवरेज प्राइस दिया हुआ था और हमें एक्स अपॉन वाई का रेशियो फाइंड आउट करना था, इफ यू रिमेम्बर. तो सेम चीज यहाँ पे है. अभी देखो अलग अलग टाइप के राइस है तो हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट प्राइस लेंगे ना. तो हमने वही किया, 13.84x प्लस 15.54y अपॉन x प्लस y. ठीक है, अब सेलिंग प्राइस तो उन्होंने दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 17.60. दिस इज अगेन पर के जी. अब क्या करोगे, हाँ अब क्या करोगे, सबका मिला के सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब x एंड y का मिला के सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो क्या करोगे फिर, यस 17.60 इंटू x प्लस y. टोटल राइस का क्वांटिटी तो उतना ही है ना, x प्लस y है ना. देखो अगर दो दो सेलिंग प्राइसेस दिए रहते हमें तो हम एवरेज सेलिंग प्राइस लेते थे. अगर दो दो सेलिंग प्राइसेस दिए रहते थे हमें, मान के चलो अभी तक दो दो तरीके के राइस है, हर एक का कॉस्ट प्राइस अलग अलग दिया हुआ है, वैसे ही अगर हर एक का सेलिंग प्राइस अलग अलग दिया रहता तो हम क्या करते थे, एवरेज सेलिंग प्राइस लेते थे. बट ऐसा हुआ है कि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के राइस का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या हमें, नहीं. मतलब ये जो प्राइस दिया हुआ है ये कैसा प्राइस है, एवरेज प्राइस है. गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज व्हाट, एवरेज सेलिंग प्राइस. तो जब एवरेज सेलिंग प्राइस होगा तो दोनों टाइप के राइस का मिक्स करके होगा ना वो, तो इसलिए मैंने क्या किया, x प्लस y से मल्टीप्लाई किया. क्यों, क्योंकि टोटल केजी राइस है कितना हमारे पास, फर्स्ट का x केजी है एंड सेकंड का y केजी है. टोटल राइस कितना हो गया अपने पास, x प्लस y केजी. और वो जो सेलिंग प्राइस उन्होंने दिया हुआ है 17.60 वो दोनों का मिला के दिया हुआ x प्लस y. ओके, 10 किलो अगर टाइप 1 का राइस है, 15 किलो अगर टाइप 2 का राइस है, तो टोटल राइस कितना हो गया, 25 केजी हो गया ना. यस, तो वही है यहाँ पे. सो इसलिए मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस को x प्लस y से मल्टीप्लाई किया. समझ में बात, यस. अब प्रॉफिट निकालना है दोनों का सब्ट्रैक्शन करके, एंड परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो कौन बताएगा मुझे, सेवेंथ स्टैंडर्ड मैथ्स. प्रॉफिट अपॉन इंटू 100, करेक्ट. सो अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट अपॉन ऑन सेल प्राइस बोला है ना उन्होंने, इनटू 100. ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के कल ट्राई करना है ये क्वेश्चन. ठीक है, यू हैव टू ट्राई एंड कम विद द आंसर, एटलीस्ट ट्राई. ओके, डोंट लीक द आंसर्स. आई डोंट नो वेदर ए ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट, बट यस. आज ये ओम नहीं आया, कहाँ गए, ये महक भी नहीं आई आज, रेगुलर पीपल. चलो नोट कर लिया, यस एवरीवन. कल फिर से डिस्कस करेंगे, बट एक एक बार और ट्राई करो इस क्वेश्चन को. ठीक है, नेक्स्ट. आज भी नए फेसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे. इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर, एंड यहाँ पे भी फर्स्ट लेक्चर है. ओके, चलो 33 5 is to 1 ratio of third proportion to 12, 30. इसका क्या चाहिए हमें,
third proportion. And mean proportion of 9 and 25 का क्या चाहिए हमें? मीन प्रपोर्शन चाहिए. थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, मैंने सिखाया था, है ना? 12, 30, क्वेश्चन मार्क. वो क्वेश्चन मार्क हमें ढूंढना है. ओके, थर्ड प्रपोर्शन तो कैसे ढूंढते हैं फिर? थर्ड प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क कैसे ढूंढते? 30 का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू क्वेश्चन मार्क. ओके, थर्ड प्रपोर्शन तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? 900/12. गॉट इट? ये हो गया तुम्हारा थर्ड प्रपोर्शन, है ना? सो थर्ड प्रपोर्शन. आज जिनका फर्स्ट लेक्चर है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है. आई थिंक मैंने कल का लेक्चर नहीं अपलोड किया ना, कल का और परसों का बाकी है, तो दो लेक्चर्स में अपलोड कर देती हूँ. मुझे पिंग करो व्हाट्सएप पे, आई विल शेयर द लिंक्स. ओके, थर्ड प्रपोर्शन क्या हो गया? 900/12. ओके, जो भी आएगा. और मीन प्रपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है किसका? 9 and 25 का. मीन प्रपोर्शन कैसे होता है? 9, (?) 25. दिस इज मीन प्रपोर्शन, राइट? तो मीन प्रपोर्शन कैसे मिलता है हमें? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 9 into 25. तो क्वेश्चन मार्क कितना मिला हमें? 3 into 5. स्क्वायर रूट लिया ना हमने. सो दिस इज व्हाट मीन प्रपोर्शन. सो मीन प्रपोर्शन कितना मिला हमें? 15. अब हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन. ओके, सो थर्ड प्रपोर्शन. आज कम लोग है, क्यों? थोड़े कम लोग लग रहे हैं, सेंट लग रहे हैं. आज कुछ है क्या? मीन प्रपोर्शन तो आज शांत भी लग रहा है क्लास बहुत. क्यों? थर्ड प्रपोर्शन 900/12 एंड मीन प्रपोर्शन 50. ठीक है, सो 900/12 × 15 कितना आया? 15 × 1 = 15, 6 = ये 0 आया, एंड आगे 12 × 1 = 12, 5. सो कितना आया ये? 5/1. विच ऑप्शन? बी ऑप्शन. अंडरस्टूड ना? यस एवरीवन. सो थर्ड प्रपोर्शन मतलब तीसरे पोजिशन पे क्वेश्चन मार्क चाहिए, मीन प्रपोर्शन मतलब मिडिल पे क्वेश्चन मार्क चाहिए. ठीक है, यस. सो यश होमवर्क नहीं किया आज? चलो, व्हाट नंबर? अच्छा, नोट करके हुआ? यस. What number must be added to each of numbers 10, 18, 22, 38 to make numbers in proportion? तो हमें 10, 18, 22 and 38 इसको proportion में लाना है. तो क्या हो जाएगा? 10 + x / 12 + x = 18. 18 + x = 22 + x / 38 + x. तो हमें वो x ढूंढना है. ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हो या फिर सॉल्व द इक्वेशन. इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा बड़े नंबर्स आ जाएंगे, 10, 38 वगैरह वगैरह. ओके, सो लेट्स गो ऑप्शन टू क्वेश्चन. सो ए ऑप्शन के हिसाब से वो नंबर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. सो लेट्स चेक. 10 + 2 / 18 + 2 = 22 + 2 / 38 + 2. कितना हुआ ये? 12/20. ये कितना हो गया? 24/40. सो लेट्स कैंसिल इट. कितना आ रहा है ये? 4 × 3 = 4, 5 = दिस इज 8 × 3 = 8, 5 = आ गए ना नंबर्स प्रपोर्शन में? यस. सो फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज वेरीफाइड. ऑलराइट, कभी कभी आंसर सी ऑप्शन रहता है, बोथ ए एंड बी, तो उस केस में बी ऑप्शन भी चेक करो. ठीक है, उतना कॉमन सेंस लगाओ. लॉगरिथम का क्वेश्चन है, थोड़ा साइड में रखो, अभी तक हुआ नहीं अपना लॉगरिथम. 35th क्वेश्चन साइड में रखो. 40 अच्छा नंबर, हाँ नंबर गलत हुआ. 36 कौन सा आ रहा है?
Okay, D. X, Y, Z together start business. X invest. X ka jo investment hai, that is 3 times as much as Y invest. Y invest. How much? 2/3 of what Z invests. Ratio of proportion. Ratio of capitals of X, Y, Z. X is to Y is to Z. हमें ढूंढना है. ठीक है कैसे कैसे मैंने शॉर्ट कट भी बताया था तुम्हें. है ना क्या था शॉर्टकट x अपॉन y क्या हो गया 3/1 यहां से है ना x अपॉन y क्या हो गया 3/1 y अपॉन z क्या हो गया यस 2/3 इसको अपन कैसे लिखते हैं x इज टू y y इज टू z याद आ रहा है तो x इज टू y इज 3:1 y is to z is 2:3 तो क्या करते हैं अपन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 सो 6:2, 2:3 विच ऑप्शन डी ऑप्शन अंडरस्टूड और नॉट यस पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1:2 फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2s are 1 2. Got it? Yes, everyone. Next question. कितने कुछ 50 है ना मतलब 40 हाँ 40 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 23 कॉइन्स ऑफ रुपी 1 रुपीज 2 कितना आ रहा है ऑप्शन ए आ रहा है एवरीवन एनी अदर ऑप्शन ओके देयर आर हाउ मेनी कॉइन्स 23 कॉइन्स सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 23 X क्या है कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 Y क्या है कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 Z क्या है कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 है ना दीज आर X, Y, Z. इफ देयर वैल्यू इज रुपीज 43 वैल्यू मतलब क्या होता है जैसे मान के चलो दो नोट से मेरे पास रुपीज 10 के तो वैल्यू कितना हो गया 2 × 10 = 20 दैट इज द वैल्यू अगर मेरे पास 5 कॉइन्स है रुपीज 5 के तो वैल्यू कितना हो गया 25 ओके सो यहाँ पे रुपी 1 के कितने कॉइन्स है हमारे पास x तो वैल्यू कितना हो गया x रुपी 2 के कितने कॉइन्स है y कॉइन्स है रुपीज 2 के हमारे पास y कॉइन्स है तो वैल्यू कितना हो गया 2y रुपीज 5 के हमारे पास z कॉइन्स है तो कितना हो गया 5z इक्वल टू 23 ठीक है 43 है ना वैल्यू कितना है उसका टोटल 43 रेशियो ऑफ व्हाट कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 एंड कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 इज 3:2 मतलब क्या दिया हुआ है x अपॉन y कितना दिया हुआ है 3/2 ओके x अपॉन y कितना दिया हुआ है 3/2 आया क्या किया नहीं हो मुक्त ने आज ये वाला नहीं किया ओके देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है अंडरस्टूड एवरीथिंग यस तो यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें x is equal to 3y/2 एनी डाउट x is equal to 3y/2 अंडरस्टूड एवरीथिंग यस चलो हमारे पास दो दो इक्वेशंस है x plus y plus z अब ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है यहाँ पे x के जगह पे आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 3y/2 एनी डाउट इन दिस ये जो x है इसके जगह पे आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट व्हाट 3y/2 सो 3y/2 प्लस y प्लस z इक्वल टू 23 सो इसका मतलब इफ आई टेक एलसीएम व्हाट आई विल गेट
Can I say this? ये जो टू है ये क्या हो गया, सबको मल्टीप्लाई हो गया. ओके तो 3y 2y कितना हो गया, 5y प्लस 2z इक्वल टू 46. एनी डाउट? यस, अंडरस्टूड? ओके नेक्स्ट, ये इक्वेशन है हमारे पास. दिस इक्वेशन वी हैव x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 43. x कितना है हमारे पास, 3y/2. इक्वल टू 43. कितना आया फिर ये, 3y प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू 86, विच इज 7y प्लस 10z इक्वल टू 86. दो इक्वेशंस क्या करने पड़ेंगे, हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, देन वी विल गेट व्हाट, y एंड z. चलो ट्राई करो सर. y प्लस z क्यों निकाल रहा है तू, x निकाल रहा है. पहले y और z इंडिविजुअली तो निकाल, y प्लस z भी इसमें निकाल. इक्वेशन वन को अगर तू 5 से मल्टीप्लाई करेगा और सब्ट्रैक्ट करेगा, हाँ फिर y मिलेगा, और y मिल गया तो x मिल जाएगा, x ही चाहिए हमें ना. अब सब बोरिंग, आज सब बोरिंग मूड में से लग रहा है फेसेस देख के, है ना. अभी तो क्या छुट्टी, अभी अभी तो शुरुआत हुई है. आज तो काफी टाइम तक क्लास है ना, स्टैट्स भी है ना आज. कितने बजे तक, 4-5? मेंटली प्रिपेयर होके आया करो. रात को सब लोग ने पार्टी की है क्या? चलो कितना आया, y 8 आ रहा है. चलो लिख लो फटाफट. इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5, व्हाट आई विल गेट, 5 5s आर 25, 5 2s आर 10, और ये कितना आया, 5 6s आर 30 एंड 5 4s आर 20, 230 ना. और ये जो इक्वेशन है हमारे पास उसको सबट्रैक्ट कर दो, 7y प्लस 10z इक्वल टू 86. सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आता है, ये चला गया 18y, कितना 144. सो y इज हाउ मच, 8. y 8 आया तो x मिल सकता है ना. x इज हाउ मच, x इज इक्वल टू 3y अपॉन 2. सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 8 अपॉन 2 विच इज 12. ऑप्शन ए, ठीक है. चलो नोट करो फटाफट, जिनको नोट करना है. ये नए लोग, तुम्हारा कौन सा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड था? डन? यस, लिखो लिखो फटाफट. जो एब्सेंट है वो लोग ऑनलाइन में है क्या? छुट्टी क्यों मारती है वो इतना महक? अच्छा, एंड ओम को क्या हुआ आज? सुयश, ओम क्यों एब्सेंट आज? दोस्त है ना तेरा.
चलो डन। अगला क्या ऑप्शन है? कंपाउंड रेशियो होगा शायद, सबको मल्टीप्लाई करके ए अपॉन डी मिल रहा होगा, चेक करो है ना। दूसरी दिशा मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ती, वो हमेशा इसके पीछे रहते छुप जाते हो, एक ही दिशा दिखती है हमेशा। चलो डन यश। ओके चलो ए इज टू बी। ए इज टू बी मतलब क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी ना, कितना है ए अपॉन बी, टू अपॉन थ्री। बी इज टू सी मतलब बी अपॉन सी विच इज फोर अपॉन फाइव, सी अपॉन डी विच इज सिक्स अपॉन सेवन। हमें क्या चाहिए, ए अपॉन डी चाहिए, तो ए अपॉन डी सबको मल्टीप्लाई कर दो कैंसिल हो जाएंगे है ना। तो यस अगर सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, देखो ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी विच इज टू बाई थ्री, फोर बाय फाइव, सिक्स बाय सेवन। बी चले गए, सी चले गए, ए अपॉन डी बचा, यहाँ पे क्या हुआ, थ्री वन जा थ्री टू जा, सो विच इज टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन थ्री, सो विच ऑप्शन इज द आंसर, इजी ऑप्शन, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आया, नहीं आया, सी ऑप्शन आया। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स इज 8:5:15। वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इन रुपीज इज 360, देन नंबर ऑफ, ये इजी था। चलो डन, ये हो गया लिख के, ये इजी था। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले उन्होंने, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स इज 8:15 ना, तो 5 रुपी कॉइन मान के चलो एक्स है, 10 रुपी कॉइन मान के चलो वाई है, तो इनका रेशियो कितना आया, 8:15। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन, वैल्यू क्या होता है, मैंने अभी बताया था, अगर मेरे पास 10 रुपी के नोट्स है तीन, तो वैल्यू क्या हो गया 30। तो मेरे पास 5 रुपी के कॉइन्स है एक्स, ये किसके कॉइन्स है, 5 रुपीज कॉइन, ये किसके कॉइन्स है, रुपीज 10। तो मेरे पास 5 रुपए के कितने कॉइन्स है, एक्स, तो वैल्यू कितना हो गया 5x है ना, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है उन्होंने 360, तो एक्स कितना हुआ 72 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 72, तो एक्स मिल गया, वाई नहीं फाइंड आउट कर सकते, इजी, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 8:15, सो 72 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8:15, वाई ढूंढो। समझ में आ गया क्वेश्चन, यस एवरीवन, बता दो 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन, उसका रेशियो दिया हुआ है 8:15। ओके, तो हमने लिए 5 रुपी के कॉइन्स x एंड 10 रुपी के कॉइन y, तो x अपॉन y कितना दिया है उन्होंने 8:15। तो वैल्यू का मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास 10 रुपी के तीन नोट्स है तो वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया, तो मेरे पास 5 रुपी के x कॉइन्स है तो वैल्यू क्या हो गया 5x, और उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू कितना है 360, सो 5x इक्वल टू 360, तो x कितना हो गया 72, तो x की वैल्यू 72 रख दो, y का वैल्यू ढूंढो 130, so 72 into 15 is equal to 8 into y, so y is equal to 72 into 15 upon 8, 15 9s are 135, 135 is equal to y, c option, next option A, सबको आया, good।
Okay. 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5, and 1 by x are in proportion. Then the value of x will be proportion matlab ratio same na. Okay. Chalo. Clear kar do screen. Yes. Yes. R in proportion matlab kya ho jayega 1 by 2 upon 1 by 3. Sahi hai? Iska ratio should be same as 1 by 5 upon 1 by x. So kitna ho jayega ye 3 by 2 equal to x by 5. So 15 by 2 equal to x. A option. Got it? 45. अरे ये तो हमने किया है, थर्ड टाइम पूछा है क्वेश्चन. मतलब ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, तो ये तीन बार पूछा गया है इस स्टैंडर्ड में पिछले. इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट. मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, मीन प्रोपोर्शनल मतलब मिडल नंबर फाइंड करना. 24 and 54 na. So question mark ka square is 24 into 54. So question mark kitna hoga? Kitna aa rahi hai? Pakka? Yes. Next. 7 is to 11. Ratio of two numbers is given to you. 7 upon 11. 7 is added to each number. X upon Y hai. 7 is added to each number. New ratio will be 2 is to 3. Chalo option to question try karte hain. Okay. 7 is to 11 kahan pe aa raha hai? Yehi aa raha hai na? 7 1 7 7 and 7 11 ja. Aur kahin pe to 11 aayega nahi. Agar naya number add kiya. Sorry, kya add kiya hai? 7 add kiya. To naya ratio kya hona chahiye? 2 is to 3 hona chahiye. Let's check it out. 49 plus 7 and 77 plus 7. Kitna aa rahi hai? 56 is to 84. Kitna aa rahi hai? Kisse cut hoga ye? 28. 28 2s are 28. 2 is 2. Got it? Yes. Chalo, indices. 27. 26 नहीं हुआ अपना. शायद 26 नहीं हुआ अपना. यस 26 का आंसर 25 के टाइम पे दे रहा था कल, वही तो है ना, वही था ना. चलो 26. सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया? a raised to m upon a raised to n. ओके, a raised to m upon a raised to n is what? M minus n. So x raised to kya ho jayega? A minus b. Whole thing raised to kya ho jayega? A plus b into x raised to b minus c. Whole thing raised to b plus c into x raised to c minus a. Whole thing raised to c plus a. Ab kya hota hai iske baad? A raised to m raise to n क्या हो जाएगा? a raise to m n. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x a plus b a minus b. आइडेंटिटी है हमारे पास a square minus b square. a plus b a minus b a square minus b square into b plus c b minus c. अगेन सेम थिंग, b square minus c square. C plus A, C minus A, C square minus A square. Add all those powers. A square minus B square plus B square minus C square plus C square minus A square. ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए. X raised to 0, which is 1. So option A is the answer. आगे. Option कैसे? तुम्हें याद है कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना? उसी की तरह क्वेश्चन ही है. ओके, ये लिखो पहले, ये वाला क्वेश्चन लिखो पहले.
Done? Yes, done with the writing. Okay. Chalo, let's check it out. कल का क्वेश्चन क्या था? देखो कल के क्वेश्चन में हमने वो पी वाला क्वेश्चन क्या था, रिमेम्बर? ये देखो, यहाँ पे लुक एट दिस, एक्स इज इक्वल टू, ये जो है ना, ये एज अ फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पी के जगह पे वो लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे उन्होंने 3 सब्स्टिट्यूट किया, बट इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने x इज इक्वल टू पी रेज टू 1/3 माइनस पी रेज टू -1/3, एंड उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला है एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू वॉट. एंड जो पहला वाला अपना क्वेश्चन था उसमें क्या, जो नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें क्या है, देखो उसमें उन्होंने कैसे दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू 1/3 प्लस 3 रेज टू -1/3, एंड हमें क्या ढूंढना है, 3x³ -9x ढूंढना. सही है? डिफरेंस नोटिस हुआ तुम लोगों को? उन्होंने जो गिवन दिया है उसमें कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, और हमें जो भी गिवन दिया हुआ है उसमें कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन. तो डिफरेंस है, बट यू कैन रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला, और मतलब एज अ फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो कि x इज इक्वल टू पी रेज टू 1/3 है और हमें x क्यूब प्लस 3x ढूंढना है. चलो देखो, ध्यान दो जरा. तो इसका आंसर क्या था पुराने वाले क्वेश्चन में, p माइनस 1/p. ठीक है, अब थोड़ा सा 27th क्वेश्चन को साइड में रखता है, थोड़ा इसको एग्जाम में कैसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं डिस्कस कर रहे हो. ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड में रखो. पहले अपन 24th को पहले डिस्कस करते कि इसको एज अ फॉर्मूला कैसे याद रखना है. ठीक है, चलो देखो, x इज इक्वल टू वॉट, पी रेज टू 1/3 माइनस पी रेज टू -1/3, और हमें एक्स क्यूब प्लस 3x का रिजल्ट क्या मिलता है, फिर p माइनस था प्लस था, एक बार चेक करूंगा, माइनस ही था, है ना, ये हमें रिजल्ट मिलता था. ठीक है, अब देखो, अगर उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 8 और एल्स विल टेक 3 रेज टू 1/3 माइनस पी रेज टू -1/3, तो एक्स क्यूब प्लस 3x का आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? सॉरी, पी नहीं है, 3 है, सॉरी. अगर ये क्वेश्चन है तुम्हारा और उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस 3x, 3 -1/3, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन सी दिस. देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर x दिया हुआ है और हमें एक्स क्यूब प्लस 3x फाइंड आउट करना है, तो हमने ये फॉर्मूला याद रखा कि एक्स क्यूब प्लस 3x होगा p माइनस 1/3. अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दिखता है एग्जाम में, एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू 1/3 माइनस 3 रेज टू -1/3, तुम पूरा प्रोसेस फिर से करोगे क्या? नहीं. रिमेंबर दिस रिजल्ट एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओके, तो क्या बोला उन्होंने, एक्स क्यूब प्लस 3x ढूंढो. तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कि अगर हमें p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू 1/3 है, तो हमें जस्ट p के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है. तो हमें एज पर फॉर्मूला क्या करना है, सिर्फ p के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है. सो 3 माइनस 1/3 कितना आया, वो 8/3. समझ में ये बात? ओके, चलो, इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू 4 रेज टू 1/3 माइनस 4 रेज टू -1/3, एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट. चलो 4 -1/4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 -1/4 विच इज इक्वल टू 15/4. ओके, अब थोड़ा ट्विस्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ दिस इज गिवन टू यू 5 रेज टू 1/3 माइनस 5 रेज टू -1/3, एंड उन्होंने पूछा है 3x³ प्लस 9x इक्वल टू व्हाट, ट्विस्ट. सेवन, अच्छा फाइनल आंसर बता रही है, तो 7. ओके, चलो देखते हैं फिर क्या आता है.
इस एक्सप्रेशन को आई कैन टेक थ्री आउट ना, थ्री कॉमन ले सकते क्या बचा अंदर, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स। तो मुझे पता है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्या होता है, क्या होगा, फाइव माइनस वन बाय फाइव। सो कितना आया ये, थ्री इंटू ट्वेंटी फोर बाय फाइव विच इज सेवेंटी टू बाय फाइव। अंडरस्टूड, ओके। तो उसको ऐसे भी पूछ सकते, नोट कर लो ये सब नोट, मतलब अपने क्वेश्चंस में नहीं है, दीज आर जस्ट एप्लीकेशंस ऑफ गिवन क्वेश्चन 24, क्योंकि कई बार पूछते हैं। डन, आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को इतनी बैटरी डाउन है तुम लोगों की, फ्राइडे तक क्या होगा, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे समझ सकते हैं, चलो वीकेंड पास आता है, अभी सब भूल जाओ वीकेंड वगैरह ना, सैटरडे संडे सब एक जैसे है। चलो डन, एवरीवन ये वाला फॉर्मूला में साइड में रख रही हूँ, ठीक है, सो दैट वो क्या है ना, दूसरे फॉर्मूला के साथ तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट यहां तक, अंडरस्टूड एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट, अभी जो अपना क्वेश्चन है उसकी तरफ फोकस करते हैं, 27th। ओके, तो 27th क्वेश्चन को अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, 3x क्यूब माइनस 9x ढूंढना है। तो इसको क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, क्या बचा, x क्यूब माइनस 3x, ये हमें ढूंढना है। सो हमारा बेसिक काम क्या है, x क्यूब माइनस 3x को ढूंढना, ऑलराइट, ओके। सो यस, चलो तो x क्यूब माइनस 3x पे फोकस करते हैं अभी। x is what? 3 raised to 1 by 3. x is what? 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3 plus है अभी, ठीक है? We will derive this formula for p and then we will apply for this number. Okay? मतलब हम क्या करने वाले अभी? Just have a look at this. हम p के लिए derive करके रखते हैं so that we can रिमेंबर इट एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जैसे ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया ना अभी, तो ऐसे अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्लस के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। सो यस, क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या ढूंढना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स ढूंढना, ठीक है। सो पहले एक्स क्यूब ढूंढते हैं, एक्स क्यूब क्या है, व्हाट इज एक्स क्यूब, पी रेज टू वन बाय थ्री प्लस पी रेज टू माइनस वन बाय थ्री होल थिंग रेज टू थ्री। तो हमने लास्ट टाइम जो फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बट अभी प्लस होगा, तब माइनस था क्योंकि तब हम क्या कर रहे थे, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे थे। अब अपन क्या लगा रहे हैं, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं।
So 3AB into A plus B. Any doubt in this? Understood? चलो अब चलते हैं आगे. So क्या करेंगे फिर अभी अपन? P raised to 1/3 whole thing raised to 3 plus P raised to minus 1/3 whole raised to 3 plus 3AB ना? 3AB मतलब 3 into P raised to 1/3 P raised to minus 1/3 into bracket P raised to 1/3 plus P raised to minus 1. Any doubt in this? क्या किया हमने? अगर पहला सम याद आ रहा है अच्छे से तो ये भी relate हो जाएगा. हमने A को क्या लिया है? A is your what? P raised to 1/3 and B is your P raised to minus 1/3. अब क्या हो जाएगा? Yes, ये 3-3 चले गए. So this is P only plus ये 3-3 चले गए. This is P raised to minus 1 plus ये क्या हो जाएगा? P raised to 0? 1/3 minus 1/3 P raised to 0? So P raised to 0 is 1. So this is 3. और ये term क्या है? Question में देखो जरा. Same term repeat हुआ है. P raised to 1/3 plus P raised to minus 1/3. Same term is repeated. So that is what? Yes. अब हमें क्या मिला? X cube is equal to P plus P raised to minus 1 plus 3X. ये मिला ना हमें? 3X को shift कर दो. क्या हो जाएगा? X cube minus 3X equal to P plus P raised to minus 1. Got it? तो हमें नया formula एक मिल गया. क्या formula है? अगर X P raised to 1/3 plus P raised to minus 1/3 होता है, तो x cube minus 3x क्या हो जाएगा? P plus 1/3. This is the formula. Understood or not? Okay. So note कर लो. चलो फटाफट फिर अपन इसको इस formula को apply करेंगे अपने question के. Plus minus का interchange हुआ है यहाँ पे. Note this. At least 35 question आज होने चाहिए indices के. At least 35 होने के बाद बोलना मत मैम हो गए 35. At least बोला मैंने. चलो done. तो बताओ फिर answer अभी तुम लोग. 10 आता है ना? सब सो रहे. तुम लोगों को देख के मुझे भी नींद आ रही है. पहले ही बोला था छुट्टी दे दो. कितनी छुट्टियां चाहिए रहती है तुझे? ऑलरेडी अंबेडकर जयंती के एक्स्ट्रा हो गए है ना. चल डन. यस. अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है हमें. पी के जगह पे क्या आया है अपने क्वेश्चन में? 3 आया है ना. पी के जगह पे हमें मिल रहा है 3 एंड x क्यूब माइनस 3x की जगह पे हमें क्या मिल रहा है? 3x क्यूब ना. चलो लेट्स चेंज. यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3 ओके. और हमें क्या ढूंढना है? 3x क्यूब माइनस 9x. 3 को कॉमन ले सकते हैं. 3 को कॉमन लिया. x क्यूब माइनस 3x. तो x क्यूब माइनस 3x क्या है? p प्लस 1/p ना. और p के जगह पे कौन आया है? 3 आया है. देखो जरा यहाँ पे ये अपना फॉर्मूला है. इसकी जगह पे कौन है? 3 है. ये अपना फॉर्मूला है. इसकी जगह पे कौन है? 3 है. तो आंसर में भी अपन p के जगह पे क्या रख देंगे? सो 3 प्लस 1/3 कितना आया? 3 × 3 = 9. 9 + 1 = 10. 10/3 चला गया. वॉट इज लेफ्ट विद अस? तो आंसर क्या आया फिर? ऑप्शन बी. अंडरस्टूड ना? ऑप्शन बी इज द आंसर. ये नहीं समझा? ओके. इस फॉर्मूला तक कुछ डाउट है? अंडरस्टूड एवरीथिंग? चलो देखो फिर से एक बार.
क्या है अपना क्वेश्चन? क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? पी के जगह पे व्हाट वी हैव? पी के जगह पे वी हैव थ्री, सही है? पी के जगह पे व्हाट वी हैव थ्री, ओके? हमें क्या ढूंढना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? थ्री एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स. तो मैंने क्या किया, थ्री को कॉमन लिया, क्या बचा अंदर? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स बचाना, मतलब अपना ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, समझा? सो दो चीजें याद रखो, एग्जाम में इतना सब फिर से नहीं करना है हमें, रिमेंबर डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है? डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिमाग में क्लिक होना चाहिए. नोट इट डाउन. Okay, next question. What is that? A raised to x plus a raised to x equal to b, b raised to y equal to c, c raised to z equal to a, and we need to find out x, y, z. Chalo, puzzle ki tarah lag raha hai. A raised to x equal to b, b raised to y equal to c, c raised to z equal to a. Chalo, batao answer. मोटिवेशनल लेक्चर खा गया अपना आज, मोटिवेशन डाउन है. यस, वांट सम टाइम सॉल्व करने के लिए? ये फिर आएगा ही नहीं, देख के लग रहा है. None of this है ना. तेरा आंसर तो है. चलो, a raised to x equal to what? b, ठीक है? और हमारे पास a का वैल्यू है, क्या है a का वैल्यू? a का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है c raised to z. तो a के जगह पे क्या जा सकता है? c raised to z जा सकता है. a के जगह पे c raised to z जा सकता है, जा सकता है ना, सब्स्टिट्यूट करके. तो क्या हो जाएगा? c raised to z मैंने रख दिया a के जगह पे, इसका raised to x. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अंडरस्टूड? कौन सा फॉर्मूला? a raised to mn वाला फॉर्मूला लगेगा. सो c raised to zx. अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ फिर से देखो. C के जगह पे कौन जाएगा? B raised to y जाएगा. तो C है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे कौन जाएगा? B raised to y जाएगा. So B raised to y गया, whole raised to zx equal to b. अब क्या होगा फिर से? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. So what is that? B raised to xyz equal to b. तो ये b के पावर में क्या है? 1 है. कुछ भी नहीं मतलब, वन है, इक्वेट कर दो. नहीं समझा ये? ओके, फिर से एक बार. वेट, डोंट वरी. ऑलराइट, देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें. a raised to x equal to b दिया हुआ है, b raised to y equal to c दिया हुआ है, c raised to z equal to a दिया हुआ है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट x, y, z. मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को उठाया. फर्स्ट इक्वेशन को उठाया, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? a raised to x equal to b. उसमें मुझे बताओ, a का वैल्यू हमें क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया हुआ है ना, c raised to z. तो ये जो a है उसकी जगह पे कौन जाएगा? c raised to z जाएगा. तो c raised to z गया. a का पावर क्या है? x. तो c raised to z का पावर क्या हो जाएगा? x. अब समझो, यहां तक समझा? equal to b. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, आज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस. क्या हो जाएगा? c raised to z. अब c देखो जरा, c की जगह पे क्या रखेंगे अपन? b,
बी रेज टू वाई रखेंगे सेकेंड इक्वेशन, सी की जगह पे जाएगा बी रेज टू वाई, और सी का पावर क्या है जेड एक्स। समझा, समझा क्या ये स्टेप समझा? यस। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स, क्या हो जाएगा बी रेज टू एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। अभी राइट हैंड साइड में बी के पावर में कुछ है क्या? तो वन होता है, यस। सो बी रेज टू एक्स वाई जेड इक्वल टू बी रेज टू वन, सो इक्वेट कर दो एक्स वाई जेड इक्वल टू वन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट ट्राई करो, वन ऑफ दिस। सच में या फिर ऐसी? सच में है, सच में ऐसे ही बोल रहे थे, वन ऑफ दिस। नाम ही मुझे वही दिया है, अभी क्या बोलूं मैं, सॉल्व करना ही छोड़ देता हूं। यस, कौन सा आइडेंटिटी लगाया है यहाँ पे भाई? देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया हमने, है ना। चलो इजी है क्वेश्चन, अगला किया है हमने ऐसा क्वेश्चन, बस उस टाइम पे ना उन्होंने आइडेंटिटी रेडीमेड दिया था, अभी आइडेंटिटी रेडीमेड नहीं दिया हुआ, खुद से याद रखना पड़ेगा अभी आइडेंटिटी। चलो ये क्या है, एक्स रेज टू ए माइनस बी ना इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो गया तुम्हारा। एनी डाउट? समझ में आया पक्का? यस। ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन इज ए रेज टू एम माइनस एन, तो ये क्या है एक्स रेज टू ए एक्स रेज टू बी, क्या हो जाएगा एक्स रेज टू ए माइनस बी, और वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है इसका, एक्स रेज टू बी अपॉन एक्स रेज टू सी, तो क्या हो जाएगा वो एक्स रेज टू बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर इंटू सी, एक्स रेज टू सी अपॉन एक्स रेज टू ए, क्या हो जाएगा एक्स रेज टू सी माइनस ए इंटू ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्या है किसका एक्सपेंशन फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो एक्स रेज टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स रेज टू, ये क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स रेज टू, ये क्या हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सारे पावर्स को ऐड कर दो तो क्या आएगा फिर एक्स रेज टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब चला गया, माइनस बी क्यूब प्लस बी सब चले गए, क्या बचा जीरो, एक्स रेज टू जीरो इज हुआ क्या, नन ऑफ दिस बोल रहा था फिर तू, हाँ ये ऑप्शन आएगा। वहां पे करेक्शन है, इट्स नॉट थ्री वाई इट्स थ्री रेज टू वाई, अगले क्वेश्चन इसलिए नन ऑफ दिस। ओके करेक्शन कर दो, क्वेश्चन नंबर 30 में इट इज टू रेज टू एक्स इक्वल टू थ्री रेज टू वाई इक्वल टू सिक्स रेज टू माइनस जेड। बोलो क्या आएगा आंसर, जीरो, गुड। ये क्लियर कर दूं, ये हो गया वन, आया वन या जीरो, तुक्का मारने के लिए इजी है, प्रोबेबिलिटी सीधा रिड्यूस हो जाती है, वैसे 25% रहती है ना सही आने की, अभी सीधा जीरो एंड वन देख के सीधा 50% हो जाती है, अच्छी बात है ना।
2 raised to x equal to 3 raised to y equal to 6 raised to minus z. हमें ढूंढना है 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z. मैंने लास्ट क्लास होगा शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, k लेने को बोला था मैंने ना. सो 2 raised to x equal to 3 raised to y equal to 6 raised to minus z, इसको क्या लेंगे, k. k लेने के बाद अपन सेपरेट करते हैं ना, यस. तो 2 raised to x equal to k 3 raised to y equal to k 6 raised to minus z equal to k. चलो अब ट्राई करो, अब हिंट दिया मैंने, क्या आगे क्या करना है. अरे तूने ही सॉल्व किया था ये क्वेश्चन इस टाइप का, तूने, मुझे बहुत अच्छे से याद है तूने सॉल्व किया था. हमें सिर्फ 2 को अकेले रखना है वहां पे, क्या करते हैं अपन. अच्छा 2, 3 and 6 सेपरेट कर लिया. अब सोचो अभी जो सिचुएशन आएगा ना, आया है ना सामने, वो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड मैथ से, इसलिए याद नहीं. 2 into 3 6 है ना, यूज दैट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज. 6 का 2 का वैल्यू मिला तुम्हें, 3 का वैल्यू मिला तुम्हें, 6 का वैल्यू मिला तुम्हें, सब्स्टिट्यूट कर दो 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 6 का वैल्यू, 2 into 3 equal to 6 में. गॉट इट दिशा, समझ में आया. k raised to 1 by x रखेंगे, ठीक है, जगह पे k raised to 1 by y रखेंगे ऐसा. यस, जो लोग वहां तक पहुंचे नहीं है वो लोग एटलीस्ट वहां तक पहुंचे. 2 equal to, यस, कहां पे पहुंचा तू, ऐसा डिप्रेशन में दोस्त नहीं आया. दोस्त आ गया क्या आंसर. वो इमीडिएटली बोली ना आ गया. उधर देख रहा था. यस, 0 2 रेज टू, देखो मैंने क्या तरीका बताया था, 2 raised to x equal to k. हमें 2 को अकेला रखना है, मतलब x को हटाना पड़ेगा. मैंने x को हटाने के लिए एक तरीका बताया था कि रेसिप्रोकल से रेज टू करो. तो x का रेसिप्रोकल क्या है, 1 by x, तो उसके रेसिप्रोकल से क्या करना है हमें, रेज टू. 2 raised to x raised to 1 by x. अभी लेफ्ट हैंड साइड में किया, जो भी राइट हैंड साइड में वही करना पड़ेगा हमें. अलाउड वैसे नहीं, अपन को सिर्फ एक ही साइड में ऑपरेट करते रहो. सो k raised to 1 by x. क्या सिखाया था मैंने, अगर ऐसा कोई इक्वेशन हमारे पास आता है, 2 को हमें अकेला रखना है, तो 2 के पावर में जो भी है उसका रेसिप्रोकल ले लो. तो 2 के पावर में क्या है, एक्स है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 by x. सो 2 raised to x raised to 1 by x. ओके, तो जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया वही हमें राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा. अब देखो ये एक्स एक्स चले गए, 2 raised to 1 बचा सिर्फ हमारे पास. सो 2 का वैल्यू क्या आया फिर, k raised to 1 by x. अब बाकी एक्सप्रेशंस को फिर से सॉल्व करते मत बैठो, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन राइट 3 equal to what k raised to 1 by y एंड 6 equal to what k raised to minus 1 by z. मिल गए तीनों एक्सप्रेशन, मिल गए ना, यस, 2 मिला, 3 मिला और 6 मिला. अब मैंने क्या बोला, हमें नया इक्वेशन बनाना है ना, तो कितना इजी, 2, 3 and 6 का रिलेशन बनाओ. 2, 3 and 6 का रिलेशन क्या है, 2 into 3 equal to 6. ओके, 2 into 3 equal to 6. 2 का वैल्यू ढूंढा हमने, 3 का वैल्यू ढूंढा हमने, 6 का वैल्यू ढूंढा हमने. अब हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो एक्स वाई जेड को रिलेट कर सके. क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z, मतलब हमें x, y, z को कंबाइन करना है. तो कंबाइन करने के लिए मुझे 2, 3, 6 को भी कंबाइन करना पड़ेगा. तो 2, 3, 6 को कंबाइन करने के लिए बहुत इजी वे है, 2 into 3 equal to 6. अब 2 का वैल्यू क्या आया, k raised to 1 by x. 3 का वैल्यू क्या है, k raised to 1 by y. 6 का वैल्यू क्या है, k raised to minus 1 by z. ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे
रूल्स ऑफ इंडाइसेस की तरफ से क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a रेज़ टू m इनटू a रेज़ टू n इज a रेज़ टू m प्लस n. ओके, सो k रेज़ टू 1 बाय x प्लस 1 बाय y इक्वल टू k रेज़ टू माइनस 1 बाय z. पावर्स इक्वेट कर दो, के सेम है ना बेस में, पावर्स को इक्वेट कर दो. पावर्स को इक्वेट करने के बाद क्या मिला फिर हमें, यस 1 बाय x प्लस 1 बाय y इक्वल टू माइनस 1 बाय z, है ना. तो 1 बाय z को शिफ्ट कर दो, क्या आया प्लस 1 बाय z एंड होल थिंग इक्वल टू 0. सो विच आंसर, ऑप्शन ए. फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट नोट इट डाउन. I don't think अपन 35 तक पहुंचेंगे भी. नहीं पहुंचने वाले ना, आलस ही आज भरा हुआ है तुम लोगों में, कैसे पहुंचेंगे. टीम ही ऐसी है तो क्या करें. हाँ मैं तो लड़ने जा रही हूँ, सेना ही नहीं है पीछे तैयार, क्या करने का फिर. हाँ मैं आगे जाऊँ, मैं आगे जाके क्या करूंगी. राजा है ना आगे, ऐसे कैसे, राजा तो 35 के बोल रहा है. चलो डन. क्या क्या किया हमने समझ में आया, 2 रेस टू x इक्वल टू 3 रेस टू y इक्वल टू 6 रेस टू माइनस z, उसको हमने क्या लिया, k लिया, ठीक है. एंड देन ये तीनों टर्म्स को हमने क्या किया, स्प्लिट किया, 2 रेस टू x इक्वल टू k, 3 raised to y equal to k and 6 raised to minus z equal to k. फिर हमें 2, 3, 6 अकेले चाहिए. That is why what we did, हमने क्या तरीका discuss किया था पहले, जो भी power में होता है उसका reciprocal ले लो. तो power में क्या है, x है, उसका reciprocal हो गया 1 by x, उससे क्या किया हमने, multiply. Then 3 raised to y, उसका reciprocal 1 by y होता है, so that is why it's k raised to 1 by y. Minus z का, minus 1 by z. Okay? Then हमें 2, 3 and 6 को relate करना है. That is why what we did, 6 equal to 2 into 3. ठीक है? So 2 is what? K raised to 1 by x. 3 is what? K raised to 1 by y. 6 is what? K raised to minus 1 by z. Now a raised to m into a raised to n is what? A raised to m plus n. ठीक है? So that is why 1 by x plus 1 by y. And k raised to minus 1 by z. Equate. You will get this. ठीक है? Okay. धीरे धीरे मैथ्स अपने रंग दिखाना शुरू कर रहा है ना. 6 रेज टू माइनस 1, 7 रेज टू 2, समझ में आया. फिर जोश धीरे धीरे कम क्यों होता है. 7 रेज टू माइनस 4, ये है 7 बाय 2. नन ऑफ दिस आया इसका भी, अरे है ही नहीं. अच्छा है ही नहीं, ओके. तो अब तू कैसे आंसर करेगा. 6 raised to 3, 7 raised to minus 5. चलो ट्राई करो. क्या आ रहा है? आज गुड, नाइस. आज सीखा एकदम फॉर्म में. 6 raised to minus 2, 7 raised to 3 है ना वो पक्का. तो मैंने थोड़ा स्मॉल किया है स्क्रीन. चलो ट्राई करो फटाफट. सो जाओ क्या मतलब, 5 बजे तक रुकना है. देखो 11:15 हो गया, बस 5 बजे तक. लंच ब्रेक आधे घंटे का रहता है ना, बापरे. उसके बाद तो उसके बाद तो काम ही खत्म. फिर लंच ब्रेक के बाद एक्चुअली लंच ब्रेक के बाद टीचर को नींद नहीं आती, बैठे बैठे स्टूडेंट्स को बहुत नींद आती है. चलो 6 रेस टू माइनस 1, 7 रेस टू 2, 6 रेस टू 2, 7 रेस टू माइनस 4. क्या करना पड़ेगा, सारे पावर्स, 6 के पावर्स कलेक्ट करो पहले, फिर 7 के पावर्स कलेक्ट करो. ठीक है, तो चलो 6 के पावर्स कलेक्ट करने हमें. न्यूमरेटर में क्या क्या है, माइनस 1 इंटू 7 बाई 2 मतलब माइनस 7 बाई 2 अपॉन 2 इंटू 7 बाई 2 14 बाई 2. क्या कर रहे हैं अपन, रेज टू का फॉर्मूला लगा रहे हैं. a रेज टू m रेज टू n, a रेज टू mn, वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं.
तो 6 raised to -1 raised to 7/2 क्या आया -7/2 6 raised to 2 raised to 7/2 कितना आया 14/2 मतलब 7 ठीक है या तो किसी को कोई दिक्कत इनटू 7 raised to 2 raised to 7/2 2 into 7/2 अगेन 14/2 मतलब 7 हो गया तो 7 raised to 7 7 raised to -4 raised to 7/2 कितना हो गया -4 raised to 7/2 मतलब -4 और 7/2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -28/2 विच इज -14 सही है ना इनटू उसके बाद -2 and -5/2 कितना हुआ +5 सही है +5 6 raised to 5 अपॉन 6 raised to 3 raised to -5/2 कितना आया -15/2 इनटू 3 into -5/2 अगेन -15/2 -5 into -5/2 +25/2 सही है एनी डाउट इन दिस अब सारे पावर्स को मैंने क्या सिखाया था रे जो न्यूमरेटर में पावर्स रहते हैं उनके साइन एज इट इज रखने और जो डिनोमिनेटर में पावर्स रहते हैं उनके साइन उल्टे करने याद आ रहा है ऐसा बताया था मैंने तो चलो अभी न्यूमरेटर्स में कौन से पावर्स है 6 के उनको पहले ऐड करते हैं ऐड मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे -7/2 है एंड 5 है तो क्या आएगा -7/2 +5 जो भी डिनोमिनेटर में है उनको क्या करना है साइन चेंज तो 7 का साइन चेंज हो गया -7 इसका साइन चेंज हो गया +15/2 ठीक है इनटू 7 के केस में भी सेम करना है जो न्यूमरेटर में है उनके साइन चेंज मत करो डिनोमिनेटर वालों के साइन चेंज कर दो ठीक है कितना आया रे फिर ये 6 raised to -7 + 15 + 8 +8/2 इज 4 4 + 5 9 -7 + 15 समझ में है ना +8/2 +8/2 मतलब 4 आया +5 -7 into 7 raised to -15 - 25 -40 मतलब कितना हो गया -40/2 इज -20 ये क्या है +7 +14 So how much is this? 9 - 2 कितना होता है? 2. So this is 6 raised to 2 into 7 raised to ये कितना आ रहा है? 21 ये वाला आया. So 36 into 7 कितना आता है फिर वो 252. ठीक है. इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. वही पे 6 का पावर कैलकुलेट कर सकते हो. There are n number of ways to solve this type of questions. चलो नेक्स्ट लिखो पहले लिखो नेक्स्ट लेक्चर 11:45 को है ना 11:30 तुरंत हर एक लेक्चर में 15 मिनट का गैप रहता है पूरा बैटरी डाउन है तेरा यश दोस्त को बुलाया कर तू यार तुम लोग अभी दोस्त हो पहले से दोस्त हो पहले से है ना कैसा दोस्त पता ही नहीं क्यों नहीं आया ये बताना नहीं चाहता तू हाँ चलो डन यस एवरीवन लिखो लिखो Over.
कहाँ पे? सेवन के पावर में यू हैव माइनस 15 बाई टू एंड माइनस 25 बाई टू दोनों है. उसको ऊपर लिया ना हमने तो माइनस हो गया ना, वो ऊपर लेते तो माइनस हो जाता है ना, वो साइन चेंज हो जाता है उसका. डन एवरीवन? यस ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास? एक्स रेज़ टू 2/7 है. आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन. एक्स रेज़ टू 2/5, एक्स रेज़ टू माइनस 9/7, जेड रेज़ टू 5/6 अपॉन जेड रेज़ टू माइनस हाफ, जेड रेज़ टू 2/3, जेड रेज़ टू 2/3, जेड रेज़ टू माइनस 3/5. चलो ट्राई करो. डिनोमिनेटर में x है ही नहीं ना, एक x है लास्ट वाला. सॉरी, जीरो कैसे आ रहा है एक्चुअली? हाँ वही, वन आना चाहिए, जो वन आना चाहिए. एक्स के पावर्स को कलेक्ट करो, जेड के पावर्स को कलेक्ट करो, जो भी डिनोमिनेटर में पावर्स है उनको ऊपर लेना है तो साइन चेंज. ट्राई आउट फास्ट. आएगा आंसर वन. चलो क्या करेंगे, x के पावर्स को कलेक्ट, तो जो भी न्यूमरेटर में उसके पावर्स है उनको साइन चेंज नहीं करना है, जो भी डिनोमिनेटर में उनके साइन चेंज करने हैं. तो न्यूमरेटर में x के पावर्स कौन से पहले देख लेते. 2/7 प्लस 2/5 माइनस 9/7. डिनोमिनेटर में कौन सा पावर है? माइनस 3/5 है, उसको साइन चेंज करो क्या हो जाएगा, प्लस 3/5. नाउ जेड का देखो, जेड का जो न्यूमरेटर में पावर है उसका साइन चेंज करना है नहीं करना है? जो डिनोमिनेटर में पावर है उसका साइन चेंज प्लस हाफ. डिनोमिनेटर में पावर है उसका साइन चेंज माइनस 2/3. डिनोमिनेटर में पावर है उसका साइन चेंज माइनस 2/3. एनी डाउट? चलो एक्स का पावर कैलकुलेट करते हैं. 2/7 माइनस 9/7 माइनस 1, 2/7 एंड माइनस 9/7 कितना हो जाएगा वो, माइनस 7/7, मतलब माइनस वन आ जाएगा. ठीक है, आई विल राइट दिस स्टेप आल्सो. उसके बाद 2/5 एंड 3/5 विल बी 5/5. एनी डाउट इन दिस? z रेज़ 2, ये क्या हुआ है, 2/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3, ये क्या है, 5/6 ना. माइनस 4/3 तो ये क्या आया, x रेज टू माइनस 1 प्लस 1, ये तो 0 हो गया. z रेज टू एलसीएम ले लेते हैं सबका, क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा, 5 एज इट इज. यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, माइनस 8. ओके, क्या आया, x रेज टू 0 इंटू z रेज टू 0 विच इज 1. पावर में 0 मतलब आंसर इज 1. ठीक है, ऑल राइट. एनी डाउट इन दिस? रुकना है, ठीक है. चलो क्या हुआ, बाय. आज तो वेट ही कर रहे थे कब लेक्चर खत्म हो जाए. Thank you.